गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। जब किसी परमाणु में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है और उस इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को आप कैसे ज्ञात करोगे, क्या ऐसे मेथड हैं या क्या ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ज्ञात कर सकते हैं। जी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगों के द्वारा ज्ञात करना कठिन है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता को ज्ञात करने के लिए एक इनडायरेक्ट विधि यानी कि परोक्ष मेथड को उपयोग किया गया है, जिसमें हम बॉन्ड हैबर्ट साइकिल या बॉन्ड हैबर्ट चक्र की सहायता लेते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड हैबर्ट चक्र है क्या। बॉन्ड हैबर्ट चक्र बॉन्ड हैबर्ट साइंटिस्ट ने दिया था। यह एक कैलकुलेशन है ऊर्जा के चक्र की। इसको मैक्स बॉन्ड और हैबर ने हैंड्स नियम के पालन करते हुए दिया था। अब पहले हम देखते हैं हैंड्स का नियम क्या कहता है। देखिए, हैंड्स का नियम यह कहता है कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तित होता है तो एक अवस्था और दूसरी अवस्था के बीच में ऊर्जा का अंतर होगा, ठीक है। लेकिन यह ऊर्जा का अंतर उस अवस्था ए से अवस्था बी में जो परिवर्तित हो रहा है उसके पाथ यानी रास्ते पे निर्भर नहीं करेगा। कोई पदार्थ ए से, मैं आपको बताता हूँ, कोई पदार्थ ए से अगर बी में परिवर्तित हो रहा है तो ए से बी में डायरेक्ट परिवर्तित हो या पहले सी में हो फिर बी में हो, मतलब या किसी और रास्ते से अपरिवर्तित हो, इस पे ऊर्जा का मान निर्भर नहीं करता है। जो ऊर्जा का मान है ए की स्थिति और फाइनल बी की स्थिति पर ही निर्भर करता है। ए बी में किस प्रोसेस द्वारा या किस मार्ग द्वारा परिवर्तित हुआ है इस पे ऊर्जा का मान निर्भर नहीं करता है। ये हैंड्स का नियम है। अब हैंड्स के नियम का यूज लेते हुए बॉन्ड हैबर ने एक ऊर्जा का साइकिल दिया है ना। जी, अब बॉन्ड हैबर का साइकिल किस तरह से काम करता है, तो बॉन्ड हैबर का साइकिल हम सोडियम क्लोराइड NaCl पे अप्लाई करके देखते हैं। NaCl जो हमने यहाँ लिया है वो सॉलिड अवस्था में लिया है, मतलब NaCl जो हमें बनाना है वो सॉलिड अवस्था में बनाना है। अब NaCl किस तरह से बनाया जा सकता है, तो NaCl बनाने के लिए एक तो हम लेंगे सोडियम, एक लेंगे हम क्लोरीन। अब देखिए, सोडियम हमारे पास सॉलिड मात्रा में पहले से है ना। जी, सोडियम को सॉलिड से हम परिवर्तित करते हैं गैस में, तो हमें क्या देना पड़ता है, सॉलिड को गैस में परिवर्तित करने के लिए उद्धरपातन ऊर्जा देनी पड़ती है या सबमिशन एनर्जी देनी होती है। जब ये सोडियम गैस में परिवर्तित होता है तो हम इसे को Na+ यानी धनायन में परिवर्तन करना है। तो सोडियम जब गैसीय अवस्था में, तब एक इलेक्ट्रॉन हम इससे को निकाल लेते हैं, सोडियम को Na+ आयन में परिवर्तित कर देते हैं। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सोडियम की प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया सोडियम आयन। अब हमें चाहिए क्लोरीन आयन, तो क्लोरीन हमारे पास गैसीय अवस्था में होती है लेकिन क्लोरीन होती है Cl2 की फॉर्म में, तो हमें दो Cl नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक Cl चाहिए। तो क्लोरीन गैस को, जो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन में Cl2 है यानी दो क्लोरीन है और हमें चाहिए एक क्लोरीन, तो हमें क्लोरीन बंध को तोड़ना पड़ेगा। तो क्लोरीन बंध को तोड़ने के हम एक Cl प्राप्त कर सकते हैं। हमने एक Cl प्राप्त किया गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो इसके लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी वो कहलाएगी डिसोसिएशन एनर्जी, बंध को तोड़ने की ऊर्जा, ठीक है। क्लोरीन जब गैस में परिवर्तित हो जाएगी तो हम उसको फिर क्लोरीन माइनस में परिवर्तन करेंगे। क्लोरीन माइनस में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन गैस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन जोड़ने
के कारण जो ऊर्जा रिलीज होगी वो कहलाएगी हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता, और ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का ही हमें गणना करनी है। अब हमारे पास क्लोरीन सोडियम आयन भी है और क्लोरीन आयन भी है। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। तो सोडियम तो ये जो सोडियम क्लोराइड बनाया है ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से मिलके बनाया है। तो इसको बनाने में जो ऊर्जा काम आएगी वो आएगी यू। यू क्या है, जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एक तो ये जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी, एक हम ये देखते हैं कि सोडियम सॉलिड और क्लोरीन जो गैसीय अवस्था में, उससे जब हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं तो वो ऊर्जा हमारी कहलाती है HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहलाते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हमारे पास दो रास्ते हुए, दो रास्ते कौन कौन से मैं आपको दोबारा बताता हूँ। एक तो ये वाला रास्ता जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज हुई है, ठीक है। एक ये पूरा रास्ता यहाँ से यहाँ तक का, तो इस रास्ते से जाएंगे तो भी हमारे पास सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बनेगा, और इस रास्ते से जाएंगे तो भी हमारे पास सोडियम क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। लेकिन दोनों रास्तों में विभिन्न ऊर्जाएं अवशोषित होती हैं। कौन कौन सी, देखिए यहाँ तो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन HF मुक्त होती है, और यहाँ कौन कौन सी होती है, पहले तो उद्धरपातन ऊर्जा जो सोडियम को सॉलिड अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करती है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो सोडियम को सोडियम आयन में परिवर्तित करती है, फिर दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकाला तो बंद विभाजन ऊर्जा या बंद डिसोसिएशन एनर्जी, उसके बाद क्लोरीन को क्लोरीन माइनस में परिवर्तित किया तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की भी बराबर ऊर्जा मुक्त हुई, फिर दोनों आयन ने मिल के और NaCl बनाया तो उस समय यू लैटिस ऊर्जा या जालक ऊर्जा मुक्त हुई। तो ये सारी ऊर्जा हैं। अब एक तरफ तो सिर्फ ये एक ऊर्जा है और एक तरफ ये सारी ऊर्जा है, बन क्या रहा है, बन वही रहा है। इस तरफ भी इससे सोडियम क्लोराइड बन रहा है और इस तरफ भी इससे सोडियम क्लोराइड बन रहा है। दोनों तरफ हमारे पास क्रियाकारक सेम है और उत्पाद भी सेम है, लेकिन एक में इधर से बन रहा है और एक में इस रास्ते से ये बन रहा है, ठीक है। तो दोनों ऊर्जाएं आपस में फिर समान होनी चाहिए। इस रास्ते में जो ऊर्जा का परिवर्तन हुआ और इस रास्ते में जो ऊर्जा का परिवर्तन हुआ वो समान होना चाहिए। किस नियम के अनुसार, हैंस लॉ ऑफ कॉन्स्ट हीट सबमिशन, यानी हैंस के कॉन्स्टेंट हीट ऊर्जा के नियम के अनुसार, ठीक है। अब इस हैंस के नियम का उपयोग करके ये साइकिल किसने दिया है, बॉर्नहेबर ने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऊर्जा कैसे होनी चाहिए और हमें ज्ञात क्या करना, हमें ये वाली ऊर्जा ज्ञात करनी है जिससे क्लोरीन क्लोरीन माइनस में परिवर्तन हुआ है और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर ऊर्जा मुक्त हुई है, ठीक है। इसके नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए देखिए सोडियम को हमने ठोस से गैस में परिवर्तन किया तो हमें क्या, उद्धरपातन ऊर्जा देनी पड़ी, ठीक है। फिर हमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें आयनन ऊर्जा देनी पड़ी। इसी प्रकार क्लोरीन से हमने एक क्लोरीन अणु निकाला तो हमें बंध को तोड़ने के लिए बंध वियोजन ऊर्जा देनी हुई। उसके बाद क्लोरीन को मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के क्लोरीन माइनस में परिवर्तन किया तो हमें इलेक्ट्रॉन बंधुता की बराबर ऊर्जा देनी हुई, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट परिवर्तित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड को बनाने की ऊर्जा हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और दूसरी तरफ वाली ऊर्जा है वो लैटिस ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता वाली ऊर्जा कहलाती है। अब वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस रास्ते में जो ऊर्जा परिवर्तन हुआ है और इस रास्ते में जो ऊर्जा परिवर्तन हुआ है दोनों समान हैं, यानी एक तरफ तो ये ऊर्जा और एक तरफ ये बाकी एक दो तीन चार पाँच, ये पांचों ऊर्जाएं समान है। यानी कि एक दो
तीन चार पाँच, ये पांच ऊर्जा किसके समान, इस एक अकेले के समान, अकेले कौन सा, ये वाला, इस ऊर्जा के समान है। तो हम इसमें फॉर्मूला रख के इन ऊर्जाओं की गणना कर लेते हैं। और जो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है सोडियम क्लोराइड में बॉन्ड हेबर चक्र लगा के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान। ठीक है, चलो ये हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये पांच ऊर्जा है, ठीक है, और ये एक ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सोडियम क्लोराइड के लिए हम जब देखते हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 411 किलो जूल प्रति मोल है, जो पहला वाला अवस्था था ना वो वाला। दूसरा, सोडियम को ठोस से गैस में बदलने के लिए जो सब्लिमेशन ऊर्जा है, उद्धरपातन ऊर्जा, वो 108 है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम प्लस में परिवर्तन करने के लिए ऊर्जा है वो 495 है। क्लोरीन क्लोरीन बंद तोड़ने के लिए ऊर्जा है वो वैसे तो है 244, लेकिन हमारे दो क्लोरीन प्राप्त हो रहे हैं इसलिए 244 में हम दो का भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 122। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये जो है ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है जो पहले पास के लिए है, ये सोडियम की उद्धरपातन ऊर्जा है, ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में दी जाने वाली ऊर्जा है, और ये एक क्लोरीन अणु निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा है। टोटल क्लोरीन के लिए तो है 244, लेकिन हमें तो एक क्लोरीन चाहिए ना, इसलिए दो का भाग दे देते हैं, क्योंकि क्लोरीन Cl2 में दो क्लोरीन होते हैं। और जो चालक ऊर्जा है वो हमारे पास ये है -788। ठीक है, और हमें क्या गणना करनी, Ea की गणना करनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता की। तो ये मान हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, और ये हमारे पास है, और ये टोटल मान जो होगा ये बराबर होगा जीरो के। तो इस मान को रख के हम किसकी गणना कर सकते हैं, ये मान रख दिया हमने, ये भी मान रख दिया फॉर्मूले में, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, और सबका कर दिया पक्षांतर। पक्षांतर करके हमने ई ए की गणना कर ली, कैसे, ये आप यहाँ नीचे देखिए, देखिए एक दो तीन चार, और ध्यान रखिएगा लैटिस एनर्जी का मान है वो माइनस में आएगा, लैटिस एनर्जी मुक्त होती है इसलिए इसका मान आएगा माइनस में, बाकी सब प्लस में। ये 411 आया है हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए, ये 108 आया है सोडियम को सॉलिड से गैस में बदलने के लिए, ये 495 आया सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये 122 आया दोनों क्लोरीन को तोड़ने के लिए। ठीक है, और ये -788 किस लिए आया, -788 आया है लैटिस ऊर्जा जालक ऊर्जा के लिए। जब इन ये अभी एक दो तीन चार, ये चार तो जुड़ जाएंगे, और -788 क्योंकि माइनस में, इसलिए -788 घट जाएगा, यानी माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ई ए, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर। आप लोगों को ये समझ में आया, देखिए मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन हो करता, ये जितने भी मान हैं ऊर्जा के ये बराबर है जीरो के। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, ई ए ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्ञात करना है, बाकी सारे मान हमारे पास दिए गए हैं। इसमें से जो चार मान हैं ये तो आएंगे धन के रूप में, और ये जो यू यानी लैटिस ऊर्जा का मान आएगा ये आएगा माइनस के रूप में। तो इन चार प्लस वाले मानों को जोड़ के इस माइनस वाले मान में से घटा लेंगे, है ना, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो आएगा, जो बचेगा वो हमें ई ए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा। ये हमने यहाँ क्या दिए, एक दो तीन चार, इन चारों को जोड़ लिया, फिर इस पांचवे में से घटा लिया क्योंकि पांचवा मान माइनस में है, ये माइनस में जो मान है वो लैटिस ऊर्जा यानी जालक ऊर्जा का है। तो तो चारों मानों को जोड़, इन चारों को जोड़ के इस पांचवे माइनस में से घटाएंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर होगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है,
क्लोरीन की। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे जो ऊर्जा मुक्त हुई है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की गणना हम कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सी है, क्लोरीन वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ देखें ना आप, क्लोरीन गैस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे जो ऊर्जा निकली है उस ऊर्जा की गणना कर रहे हैं, वो ऊर्जा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता की बराबर है। होपफुली ये चैप्टर आप, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। बॉन्ड हैबर साइकिल मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। एक बार ही बॉन्ड हैबर साइकिल को बना के देखिएगा, है ना, और एक बार ये कैलकुलेशन भी करके देखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये मान ऑटोमेटिकली आपको दे दिए जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। आपको इन चारों मानों को जोड़ के इस पांचों में से घटाना है बस, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।